gamers, my name is Vivo. Welcome back to another new episode of Forza Horizon 5 and let's start video with the wheel spin. मैंने ऑफ कैमरा काफ़ी सारी रेसेस करी है और मैंने लगभग 8 या 9 व्हील स्पिन जीते हैं, तो हम इन सारे को करने वाले हैं। और पहले व्हील स्पिन में 1000 क्रेडिट्स मिल गए। आर यू सीरियस? डोंट वरी, अपने पास टोटल 8 है। प्लीज़ यार 2-3 लाख मिले दे दो आज मुझे, एक कोई अच्छी सी सुपर कार बाय करनी है। 2 लाख मज़ा आया गाइज। मेरे पास पहले आई थिंक 5 लाख थे, अभी 2 लाख आ गए, 7 लाख हो गए। इसका मतलब आज हम कोई अच्छी सी तगड़ी वाली सुपर कार बाय करने वाले हैं। एक और बार करते हैं। अरे भाई साहब मजा आ गया। लेट्स सी क्या मिलने वाला है। प्लीज़। अच्छा, अरे यार ये क्या है, ये द कोला, आई मीन द चोला पेनहॉल। ये कोई ऑफ रोड व्हीकल है। ओके लेट्स गो। अभी आई थिंक 4 और बच्चे। कम ऑन। अरे यार ठीक है, 5000 क्रेडिट्स यार, एटलीस्ट 10-50 हज़ार तो दे दो। बट भाई अच्छी बात है, 2 लाख तो एटलीस्ट मिल गए। ओ 1 लाख, 8 लाख हो गए गाइस, दिस इज क्रेजी। ओके और कोई अच्छी सी अगर सुपर कार मिल गई तो भी मज़ा आएगा। अभी क्या मिल गया? अरे यार BMW तो मिल जाती ऊपर ही थी। और अभी आखिर के 2 स्पिन व्हील्स बचे, वही 2.5 लाख की भी, 2.5 लाख का भी होता है सुपर स्पिन व्हील। आई मीन ये तो नॉर्मल स्पिन व्हील है। 2.5 लाख, ओ माई गॉड गाइज, 1 मिलियन क्रेडिट्स आ गए, 2.5 लाख मिल गए गाइज। और इसमें ना एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, सुपर स्पिन व्हील भी होता है। उसके अंदर तो भाई 3 प्राइज़ एक साथ मिलते हैं और वो कलेक्ट करने के लिए हमको कार्स को उतना यू नो एडवांस बनाना पड़ता है। आई मीन मैंने ऑफलाइन काफ़ी रिसर्च करी। 3 लाख, आर यू सीरियस? ओ माय गॉड गाइज, कितने पैसे आ गए? 1.3 मिलियन क्रेडिट्स आ गए। इससे बेटर चीज़ हो नहीं सकती, तो आज हम कोई अच्छी सी सुपर कार बाय करेंगे। एंड गाइज इसमें ना एक और चीज़ होती है, सुपर व्हील स्पिन। और ये कि व्हील स्पिन करने के लिए ना हमको हमारी कार को ये करना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, कार मास्टरी करनी पड़ती है। तो आज हम ना एक अच्छी खासी एक सुपर कार बाय करेंगे और उस कार को एकदम यू नो परफेक्ट मॉडिफाई करके हम उससे रेसेस करेंगे। और फिर अगर उससे मैंने रेसेस जीती तो मेरे को ये मे बी सुपर व्हील स्पिन और मिल सकता है। सो लेट गेट स्टार्टेड। एंड आपको याद होगा गेमर्स, मैंने लास्ट एपिसोड में ना कुछ कार्स को मैंने सेल पे रखा था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑक्शन में डाला था। तो एक काम करते, सबसे पहले वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं जो हमने कार को सेल पे रखा था वो कार बिक गई। नहीं, सारी नहीं बिकी है, बस एक ही बिकी है अपनी, है 1964 शेवरलेट सुपर स्पोर्ट 409, ये वाली। बाकी तो भाई अभी तक नहीं बिकी है, मतलब यू नो इनके आई थिंक ज़्यादा डिमांड नहीं है। ये वाली जो गाड़ी है वो इस बंदे ने खरीदी है, मेका ऑन 120 FS 129। ओके तो किसने खरीदी है, क्या हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है। एक ही गाड़ी बिकी है, बाकी गाड़ियाँ हमारी नहीं बिकी है, बट मेरे को उससे मतलब नहीं है। अभी सबसे पहले चलते हैं अपने कार्स में, नहीं हमको यहाँ पे बाय और सेल करना पड़ेगा, तो आते हैं बाय न्यू कार्स में और देखते हैं 1.3 मिलियन में हमको कौन सी गाड़ी मिलेगी। देर आर एनी ऑप्शन, एस्टो मार्टिन, आउडी। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई तुझे बुगाटी बाय करनी चाहिए, बट यार इसके लिए ये वाली, बट यार नहीं, मुझे बुगाटी चिरॉन बाय करनी है। ये वाली 2.4 मिलियन क्रेडिट चाहिए। अभी मेरे पास 1. यार मेरे को लगभग डबल ही चाहिए होंगे, तो नहीं बुगाटी तो अभी नहीं। मे बी आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम उनको भी बाय करेंगे, अगर कुछ मुझे और सुपर व्हील स्पिन मिल गए तो उसमें से हम कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी मिलेगी मुझे। फरारी का टॉप मॉडल 3 मिलियन में आता है ये वाला, FXX KEVO 2018। ये वाला आई थिंक बहुत भाई तेज़ होगा इसका, वो स्पीड 8.1। यहाँ पे देखो स्पीड वगैरह सब कुछ कंपैरिजन हो रहा है। रेंज रोवर बाय करके फिर फेंडर बाय करते गाइस, रेंज रोवर ठीक है। सबसे पहले मुझे, मैं सोच रहा हूँ नो बुगाटी बाय करते, 3 मिलियन आई थिंक आ जाएंगे अपने पास, हो जाएंगे उतने। आज के एपिसोड में गेमर्स हम लोग ना रेंज रोवर ही बाय करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में फिर ना मेरे पास मे बी, तब तक मैं बहुत सारी रेसेस खेलूंगा तो 3 मिलियन क्रेडिट्स आ जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में ना सीधा बुगाटी ही बाय करेंगे। तो रेंज रोवर मेरे को व्हाइट वाली बढ़िया लगती है, व्हाइट ब्लैक कलर ना बहुत बढ़िया होता है, तो ये वाला कलर मैंने चूज़ कर लिया। $80,000 में मिल रही है एंड लेट्स बाय द रेंज रोवर। ओके गाइज, आपकी भाई ने रेंज रोवर बाय कर लिए। फाइनली गेमर्स रेंज रोवर आ चुकी है अपनी डिफेंडर। इसका मुझे एक बार यहाँ पे स्पीड टेस्ट वगैरह करना है, एक बार इंटीरियर वगैरह देखते हैं गाड़ी का कैसा लग रहा है। भाई एग्जैक्टली रियल गाड़ी की तरह ही है भाई, एग्जैक्टली सेम, कोई भी फर्क नहीं है। एक बार ना इसका स्पीड टेस्ट करते हैं, देखते हैं कितनी तेज जाती है ठीक है। 0 to 100 एक बार टेस्ट करते हैं, 0 to 100 जाने में कितना टाइम लगता है। कम ऑन रेंज रोवर, परफेक्ट, कम ऑन। ओके यार टाइम लगेगा ऑब्वियसली, ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ेगी यार, बहुत टाइम लग रहा है इसको ना गाइस। मैं थोड़ा सा मॉडिफाई वगैरह करने की सोच रहा हूँ, बट काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही है और आई थिंक ना ऑफ रोडिंग के लिए भी ये व्हीकल एकदम बढ़िया, मतलब एकदम अच्छी तरीके से चलेगी। तो मैं क्यों ना यहाँ पे ऑफ रोड रेस वगैरह ढूंढने की कोशिश करूँगा, वहाँ पर इसको दौड़ाएंगे। अब इसका टॉप स्पीड चेक करते हैं, 182 किलोमीटर पर आवर चल रही है, बहुत बढ़िया।
ओके अभी 200 तक, ओ इजीली जा रही 200, ओ 203 मैं भी 250 तक चली जाएगी। और अगर इसको मैंने थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया तो और भी तेज चलेगी। बस कुछ करना नहीं गाड़ी को, एकदम भाई प्रिसाइज गाड़ी है, प्यार से चलाना, ठोकना बिल्कुल नहीं। ओके 213 तक जा रही आई थिंक, नहीं 17 ओ जा रही है। सीधा इस रोड को भगाते हुए चलते हैं, सिक्स गियर में चल रही है अभी वैसे, कमॉन कमॉन कमॉन, 220 230। यार जैसे टर्न्स आते हैं इसका स्पीड कम हो जाता है। अरे भाई एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करने की सोच रहा हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, पैसे थोड़े खर्च हो जाएंगे बट मॉडिफाई कर दिया ना तो गाइज और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से गाड़ी चलेगी। अभी हम लोग आ चुके हैं गाड़ी को अपग्रेड करने के लिए अपनी रेंज ओवर को, तो ऑटो अपग्रेड में एक बार देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो ये ए क्लास वाला अपग्रेड करके देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे मुझे देखने। मे बी हॉर्स पावर बढ़ जाएगी, अभी इसका हॉर्स पावर 395 है, वो 600 650 हो जाएगा लगभग, अरे डबल ही हो जाएगा। ओके मैं करने के लिए तैयार हूँ गाइस, लेट्स गो, मैं इसको अपग्रेड करने वाला हूँ, मतलब यू नो देखते हैं अभी इसका स्पीड कितना जाएगा और इसका हैंडलिंग वगैरह आई थिंक सब कुछ ना बढ़िया तरीके से चल जाएगा। तो हमने इसको अपग्रेड कर लिया है, अभी इसका वापस एक बार टेस्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा यू नो कोई रेस के अंदर जाएंगे इसको टेस्ट करेंगे। कम ऑन, ओह अभी गाइस पिकअप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अरे भाई 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 गाइस वापस से टेस्ट करते हैं। हाँ नाइस, अरे 50,000 खर्च हो गए बट मज़ा आ गया। अरे रोड पीछे की तरफ आई थिंक 0 to 100 ना अभी आई थिंक बहुत तेज जाएगी है, और अभी फायरिंग वगैरह सब कुछ चेंज हो गया भाई। या यहाँ पे अभी चेक करके देखते हैं, कमॉन कमॉन कमॉन। या गाइस अभी एकदम व्हीकल जीरो पे, कमॉन जीरो। हाँ अभी गाइस एकदम व्हीकल जीरो पे, लेट्स गो, कमॉन 50 60 70 80 90। ओके थर्ड गियर में 100 चलेगी, अभी इसका टॉप स्पीड चेक करते हैं अपग्रेड करने के बाद। यार गाइस सीरियसली गाड़ी कुछ ज़्यादा ही तेज़ दौड़ती है अभी, 190 ओ 200 अभी चली गई, अभी तो रोड पूरा भी हुआ नहीं है, लास्ट टाइम बस यू नो 213 तक ही जा रही थी, 250 चली गई गाइस। आ सामने रास्ता, ओके सामने रास्ता है, ओके 350 आई मीन 250 चली गई गाइस, 260 भाई अपग्रेड करने के बाद बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ रही है। लेट्स गो, इमेजिन करो अगर यहाँ पे बुगाटी हो गई और उसको हमने ऐसा अपग्रेड कर दिया तो भाई वो कैसा चलेगी, मतलब कितना तेज चलेगी, आई कांट इवन इमेजिन। मुझे इसका टॉप स्पीड आई थिंक 300 तक में भी चली जाएगी, 300 किलोमीटर पर आर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 260 तक तो चली गई थी, बस यार टर्न नहीं आना चाहिए, अगर टर्न आता ना तो इसका स्पीड कम हो जाता है। ओके 270 के आसपास जा रही है, सामने से हटो जल्दी, वहाँ से हटो, ओके 270 तक गई चल रही है। सॉरी डिफेंडर भाई मजा आया, मतलब लगभग 280 के आसपास गाइस व्हीकल जा रही है, तो भाई बहुत सही दौड़ रही है सीरियसली। तो अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक वैसे रेस भी है, और ये वाली मैंने रेस आई थिंक पहले भी करी, एक स्टेडियम के आसपास होती है, तो ये वाली रेस को भी हम करने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे अपनी रेंज रोवर को हम टेस्ट करेंगे कि भाई क्या ये बाकी के कार्स को हरा पाती है। वैसे हॉर्स पावर इसका डबल हो गया है, अरे सामने देख के चलाना क्या यार। एनीवेज वैसे इसको ज़्यादा आई थिंक डैमेज हुआ नहीं होगा, नहीं भाई हुआ है, सामने वाला थोड़ा सा बम्पर टूट गया। एनीवेज ये हम लोग आ गए रेस करने के लिए रेंज रोवर के साथ, लेट्स गो सोलो। ये अपनी डिफेंडर आ चुकी है गाइस रेस करने के लिए, एंड आई एम सो एक्साइटेड, यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी और सुपर कार्स ही है, तो देखते हैं क्या हमारी रेंज रोवर जीत पाएगी। मॉडिफाई का है तो जीतना तो चाहिए इसे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे नहीं यार ये सुपर कार्स है ना सारी, दैट्स वाई थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये, बट कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे भाई अभी तो मैं सीधा 9 नंबर पे ही चल रहा हूँ मैं, बस गाइस तो कोशिश करते हैं, डिफेंडर यार एटलीस्ट तुझे थर्ड तो आना चाहिए। देखते गाइस 160 वैसे 200 तक जाएगी, इसका ना पिकअप ज़्यादा नहीं है, अगर पिकअप कर ली थी ना पहला भाई मैं लगभग, ओ वेट एक और डिफेंडर है आई थिंक, मेरे पीछे एक और डिफेंडर है, ओके एटलीस्ट हम उस डिफेंडर से तो आगे ही चल रहे हैं। भाई आगे वाला बंदा कुछ ज़्यादा आगे चला गया, कम ऑन डिफेंडर एटलीस्ट तुझे टॉप 3 में तो आना ही पड़ेगा। अभी हम लोग 10 नंबर पर चल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगा, इसके तो आगे चल रहा गाइस मुझे नहीं लगता अपनी डिफेंडर जीत पाएगी, कोशिश करते हैं एटलीस्ट मैं टॉप फाइव में तो आऊँगा मैं, ठीक है कम ऑन। अरे भाई 12 नंबर पे आ गया गाइस मैं, सीरियसली 11 नंबर हुए मैं, आई थिंक मेरे पीछे आई थिंक कोई डिफेंडर ही है, हाँ अपने पीछे गाइस एक डिफेंडर ही है, तो एटलीस्ट मैं उससे तो आगे ही चल रहा हूँ। यार सारी सुपर कार्स है तो ये आई थिंक नहीं जीत पाएगी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, यस 12th नंबर पे आ गया मैं सीरियसली, बट एनीवेज चलता है, इस बंदे ने रेस को जीत लिया, ठीक है भाई ठीक है, एटलीस्ट हमने पार्टिसिपेट तो किया, और मुझे भाई व्हील स्पिन मिला मुझे बहुत बढ़िया, पैसे मिल जाए बस डिफेंडर के, 30,000
अरे यार ओके यार ऊपर 175 क्रेडिट्स थे, ये मेरे को जॉन कूपर मिली है। ओके ठीक है, बट एटलीस्ट अच्छा हुआ, एटलीस्ट हमने रेस कंप्लीट किया, हमको एक व्हील स्पिन तो मिला और अपनी डिफेंडर हार गई भाई, क्योंकि यार ये सुपर कार नहीं है, अगर सुपर कार होती तो ऑब्वियसली हम जीत जाते और मेरा भी लेवल 28 हो चुका है। तो लैम्बो को गाइज मैं वापस से थोड़ा सा अपग्रेड करने वाला हूँ, ये वाला अगर मैंने सेटअप करा तो इसके अंदर लैम्बो का जो हॉर्स पावर है वो 1100 हॉर्स पावर हो जाएगा, वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा और पावर तो भाई बहुत बढ़ रही है और 0 to 100 3 सेकंड में ही चली जाएगी। टॉप स्पीड इसका 424 किलोमीटर है अगर ये वाला हमने सेटअप करा तो। फिर यहाँ पे ये वाला भी सेटअप है जिसके अंदर टॉप स्पीड इसका 422 हो जाएगा। वो काफ़ी सारे सेटअप से यहाँ पे हमको मिलते हैं, तो हम यहाँ पे ना अलग अलग सेटअप से बना सकते हैं। अगर ये वाला सेटअप गेमर हमने लैम्बो के अंदर कर दिया तो उसका टॉप स्पीड 428 किलोमीटर पर आवर चला जाएगा, 0 to 100 3 किलोमीटर में चली जाएगी और 1300 हॉर्स पावर का मतलब इसका पावर बढ़ जाएगा, टॉर्क भी काफ़ी बढ़ जाएगा, लगभग 1000 हो जाएगा, वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो आई थिंक इतना चलता ही है। तो गाइज मैं ये वाला ना अपग्रेड करने वाला हूँ, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। अभी देखते हैं ये वाला अपग्रेड करने के लिए लैम्बो के लिए कितने पैसे लगते हैं। और ये वाला सेटअप हमको बस 20,000 क्रेडिट्स में मिल रहा है, तो मैं इसको बाय करने वाला हूँ। ओके गाइज अभी हमने वापस से अपने लैम्बो को थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया है, इसके अंदर उसका हॉर्स पावर काफ़ी बढ़ जाएगा, तो अभी देखते हैं कितनी तेज़ दौड़ती है। मतलब इसका टॉप स्पीड तो आ चुका है 428 किलोमीटर पर आवर चलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी देखते हैं भाई अपनी लैम्बो कैसे दौड़ती है। और अभी ना लैम्बो को फिर हम कोई रेस वगैरह करने के लिए यहाँ पे लेके जाएंगे, 0 to 100 3 सेकंड में जाएगी ऐसा बोला गया है हमको, ठीक है तो ट्राई करके देखते हैं। कम ऑन लैम्बो। ओके यहाँ पे सीधा रोड है ना, सीधा रोड किधर, अरे सीधा रोड पीछे गया। आई एम सो एक्साइटेड। ओके गाइस, ओ भाई जा रही है, जा रही जा रही, 3 सेकंड में ही जा रही है। ओके रुको 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 रुको। ओके गाइस लेट्स गो, 0 to 100 चेक करते हैं। उन्होंने 3.5 सेकंड्स बोला है 0 to 100 के लिए, लेट्स चेक इट आउट। ओ भाई 3 में ही चली गई आई थिंक, और टॉप स्पीड इसका 428 है। ओ माय गॉड 300 किलोमीटर अभी जा रही है, दिस इज क्रेजी गाइज। ये वाले लैम्बो के साथ हम रेस करने वाले हैं। ओ माय गॉड 350, कम ऑन लैम्बो 400। बट बस इसको ना हैंडलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सॉरी भाई। अब ये गाड़ी के साथ गाइज हम रेस करेंगे, पूरे लैम्बो को अपग्रेड कर लिया हमने, अब इसको कहाँ पे लेके जाए हम। अभी गाइज हम लोग लैम्बो को टेस्ट करने वाले हैं फुल्ली अपग्रेड करने के बाद, लेट्स सी कि क्या ये लैम्बो रेस जीत पाएगी। आई थिंक इजली जीत पाएगी, बट थोड़ा सा रोड ऑफ रोड है तो पता नहीं, कह नहीं सकते, बट कोशिश करते हैं। जल्दी वहाँ से हटाओ, काफ़ी सारे व्हीकल्स हैं। ओके 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 ध्यान से प्यार से मिल गया चेक पॉइंट में। अरे भाई यही होता है जब ज़्यादा स्पीड होता है ना, गाड़ी कुछ ज़्यादा स्पीड होती है। प्यार से कम जल्दी चुम्मा, अरे चुम्मा काहे का चुम्मा, ये तो मेरे से आगे निकल गए रे। अरे नहीं रे ऐसा कैसे, अभी मैं 4 नंबर पे हूँ। मैं वैसे इधर का रोड थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, बट कोई ना जल्दी वहाँ से हटो। 3 नंबर पे तो आ गया मैं। ओके 2 नंबर पे आ गया मैं। ओके बहुत बढ़िया, सामने से थोड़ा सा यू टर्न है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड कम करो। एक बार ये वाला बस फेस निकल जाए फिर हम प्यार से गाड़ी को भगाते हुए इनसे आगे निकल जाएंगे। अभी तुम लोग आगे जाओ, नो प्रॉब्लम। एक बार ये यू टर्न जाने दो तुम लोगों को, फिर तुम्हारी औकात दिखाता है मैं। या अभी देखो अभी गैस गाड़ी तेज जाएगी, एकदम तेज जाएगी। वैसे हम 3 नंबर पे चल रहे हैं। ओ भाई वो 1 नंबर को कुछ ज़्यादा आगे चला गया, ऐसे नहीं रे बाबू भैया, ऐसे कैसे। ओहो भाई कितने आगे जम करवा दी। वेरी नाइस। कम ऑन लैम्बो घी नहीं चलाइए। अरे भाई 50% तो लेस होने वाली है, जल्दी जाना पड़ेगा गाइस हमको, जल्दी वहाँ से हटो बोलना पड़ेगा। या चेक पॉइंट मिल गया यार, ऑफ रोडिंग का यही होता है, ये व्हीकल ऑफ रोडिंग में यूज़ नहीं आती है, इधर से भी जम करना पड़ेगा। यार वो 1 नंबर वाला कुछ ज़्यादा आगे चला गया यार। नहीं वो 58% रेस भी हो गई है इधर। वो इस बंदे ने कुछ ज़्यादा आगे जंप लगा दी क्या। स्पीड रेस कम करो। ओके ऐसे कैसे आगे कैसे जाने दूंगा मैं आपको। गाइस मुझे लग रहा है ना हम लोग आखिरी के 1 मिनट का अंदर आई थिंक उनके पास पहुँच जाएंगे। कम ऑन यहाँ पे टर्न है, शार्प टर्न है थोड़ा। कम ऑन। चेक पॉइंट मिल रहा है, चेक पॉइंट। कम ऑन यार बस थोड़ा सा ही बच्चा है लैम्बो, कम ऑन। मुझे लगता है हम लोग जीत जाएंगे, कोशिश जा रही है गाइस। अरे भाई 83% हो गया गाइस। कम ऑन। आखिरी का थोड़ा सा स्पीड बढ़ा, टॉर्क बढ़ा। नहीं गाइस यार हम 3 नंबर पे ही रह गए, क्योंकि ये जो रोड्स थे ना बहुत ही ज़्यादा ऑफलाइन वाले थे यार, और क्योंकि क्या हो रहा है कि इसका ना स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो दैट्स हम लोग जीत नहीं पाए। अभी ना एक काम करते हैं, किसी अच्छे रोड पे चलते हैं, अच्छे रोड पे आई थिंक इसको इजीली टेस्ट कर पाएंगे। इधर इसका टॉर्क बढ़ा है, स्पीड बढ़ा है, तो गाड़ी बहुत स्पीड कर रही है,
यहाँ पे हमको नॉर्मल व्हीकल को ही लेके आनी चाहिए थी, बट एनी वेज एटलीस्ट हमने टेस्ट तो कर लिया। तो ठीक है, इधर से अभी कंटिन्यू कर लेते हैं। ओ जो फर्स्ट था उसका 120 लेवल चल रहा था, अभी तो हम भाई हम 28 लेवल पे है, तो अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। ये हम लोग आ गए भाई लैम्बो आ गई हार के मतलब टॉप थ्री में थे, तो थे मतलब थे एटलीस्ट हम लोग। तो अभी यहाँ से ना मैं कोई और रेस मार्क कर लेता हूँ जहाँ पे हम इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक रेस है, आई थिंक यही वाली रेस अभी करी थी ना हमने, हाँ यही वाली रेस करी थी। क्या बकवास है ये, इधर एक रेस है, इस रेस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कितना दूर जाना पड़ेगा? ओ 5.9 किलोमीटर। कोई नहीं, गाड़ी को सीधा पकड़ते हुए चलते दूसरे लोकेशन पे जहाँ पे हम लैम्बो को वापस से टेस्ट कर पाएंगे। मतलब सीधे रोड हो गए ना तो वहाँ पे हम इजीली रेस को जीत पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, बट एनीवेज अभी इस बार ही किलोमीटर में आ रहा है तो ना अच्छा लग रहा है दिखने में। लास्ट टाइम माइल्स आ रहा था तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ठीक से, बट इस बार किलोमीटर पर आ रहा है। अभी तो उड़ी रही है। सॉरी लैम्बो भाई, लिटरली हवा से बातें कर रही है, कुछ ज़्यादा ही तेज़ होगी अपनी लैम्बो। नेक्स्ट एपिसोड में अपने पास बुगाटी आ जाएगी भाई, बुगाटी आने के बाद तो भाई क्या हो जाएगा, मतलब क्या होएगा, कुछ ज़्यादा ही तेज़ भागेगी वो तो भाई। ऐसे रास्ते से कोई 260 की स्पीड से गाड़ी चलाता है क्या भाई? ये लोग हम लोग एक और इवेंट में आ चुके हैं अपनी लैम्बो को लेके, और इस बार वाला जो इवेंट है वो एक सिटी के अंदर है, तो यहाँ पे इसका स्पीड तो टेस्ट नहीं होगा बट स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह हम यू नो चेक कर पाएंगे कि भाई कि क्या गाड़ी स्टेबल है, कंट्रोल कर सकती है खुद को, मतलब खुद को नहीं हम ही कंट्रोल करते हैं इसको। जल्दी वहाँ से हटो। ओके ब्रेक नाइस स्टेबिलिटी तो लग रही है। 200-250 भाई गलियों में 200-250 की स्पीड से गाड़ी चलाना माया नहीं के बहुत ही। आओ मेरे को धक्का मार रही है तूने, तेरी इतनी हिम्मत गधे। एक सेकंड, यहाँ से बहुत तगड़ा वाला यू टर्न है, तो स्पीड कम ही करियो भाई। इनकी वजह से ना इन गधों की वजह से सब कुछ हो रहा है ये। ओके यहाँ से भी एक शार्प टर्न है, शार्प कुछ ज़्यादा ही शार्प। अरे यार इतना ज़्यादा शार्प कि मैं किसी के दुकान के अंदर ही घुस गया। वैसे 7 नंबर पर चल रहे हैं हम लोग, कोई नहीं 1 नंबर पर जल्दी ही आ जाएंगे। चेक पॉइंट ले लिया ना मैंने, हाँ ले लिया। अरे ले लिया था मैंने, ये गलत बात है यार, मैंने ले लिया था गाइज ये सारे। ओ भाई 12 के 12 जन मेरे से आगे निकल गए। आर यू सीरियस मैन? एक क्या करते गाइज वापस से कोशिश करते हैं यार, मतलब मैंने ले लिया बट टच कर लिया था मैंने, कैसे मिस हो गया पता नहीं, बट एक और बार कोशिश करते हैं। इन गधों की वजह से प्रॉब्लम हो गया था, जल्दी वहां से हटो। स्पीड है, कंट्रोल उदय कंट्रोल कर रहे हैं हमको, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वाली रेस तो भाई मैं जीत के रहूँगा, मेरे को पता है कहाँ से टर्न्स लेने क्या करना है। ओके काफ़ी आगे आ गया मैं, 5 नंबर पे हूँ मैं, यहाँ से ये उठाने बहुत तगड़ा वाला, ये वाला टर्न हो गया ना, जिंदगी जीत ली मैं। नॉनसेंस, हट जा इधर से। ओके 4 नंबर पे चल रहेगा हम लोग। ओ यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा ये उठाने, ओ परफेक्ट भाई, बस टकरा मत कहीं पे यार, टकराती क्यों है तू, इतनी प्यार से तो चला रहा हूँ तुझे मैं, और कितना प्यार से चलाऊँ मैं। मेरे को पीछे से जो टक्कर मार रहा है ना उसकी गाड़ी, उसको ना बम से उड़ाने का मन कर रहा है मेरा। वो यहाँ से ज़रा शार्प टर्न है, कंट्रोल एकदम कंट्रोल, प्यार से बड़े प्रेम से 5 नंबर पे हूँ मैं। वो 1 नंबर वाला कुछ ज़्यादा आगे चला गया। ओ नो गाइज दिस इज सो सैड, टकराने नहीं बस। ओके परफेक्ट भाई, वो 1 नंबर वाला ना कुछ ज़्यादा ही तेज चला रहा है सीरियसली, आई थिंक उसका लेवल ज़्यादा होगा डेफिनेटली। ओके परफेक्ट थोड़ा प्रेम से, बड़े प्रेम से। नाइस अभी तो वही फर्स्ट लैप ही चल रहा है, वैसे आई थिंक हम वो कर लेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे भी थोड़ा सा शार्प टर्न है, बहुत बढ़िया ड्रिफ्ट मारती है ना तो वही इजीली टर्न हो जाता है। यहाँ पे एकदम शार्प टर्न है, एकदम मतलब कुछ ज़्यादा ही शार्प टर्न है, इधर से भी इधर एकदम शार्प टर्न लेना है। 5 नंबर पर हूँ मैं, या एक आई थिंक एक लैप अभी हो जाएगा, या वापस हम लोग सिटी के अंदर आ गए। ये सिटी के अंदर ही ना सब कुछ इधर ही हो रहा है, वापस से स्पीड कम करना पड़ेगा, बड़े प्रेम से बड़े प्यार से प्रेम से टकराना नहीं। वैसे पोल टूट ही गया गाइस, 1 नंबर वाला कितना आगे चला गया, नहीं लगता हम लोग जीत पाएंगे। ये पीछे वाला देखो, अपनी वाली गाड़ी उसके पास लैम्बो ही है भाई। भाई ऐसे भाईचारा नहीं तोड़ते भाई, लैम्बो तो लैम्बो को टक्कर काहे मार रहा है। ओ ये क्या हो गया, ओके व्हाट भाई, उसकी गाड़ी बीच में आ गई थी, मैंने कुछ नहीं किया। रेस तो खैर हम लोग जीत नहीं पाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि तो इसने धक्का मारा है, मैं एकदम प्यार से बड़े प्रेम से चला रहा था। तेरी ऐसी की तैसी, रुक जा बुट्टी किया, बाटू बिट्टू जो भी नाम है इसका, इसकी कार को मैं धक्का मारूंगा और बहुत तगड़ा वाला मारूंगा। एक सेकेंड रुको बस, कमॉन
यार आज का दिन ही खराब है आई थिंक। हम लोग बस एक ही रेस जीत पाए आई थिंक फर्स्ट आके। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे ये क्या कर रहे वो? ले ले भाई ले भाई ले 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 लिटरली मैं 10 नंबर पे आ गया। लिटरली अभी मेरे को कोई भी पीछे छोड़ रहा है। ये सिटीज के अंदर ना ऐसा ही होता है। हारने वाले का एकदम एकदम यू नो ऐसे थप्पड़ पड़ा मेरे मुंह पे। सारी गलती उस गधी उस मैं एक तो प्यार से गाड़ी चला रहा था वो बीच में आ गया वहीं पे सारा मोमेंटम लूज हो गया। और ये चेक पॉइंट ये क्या था? चेक पॉइंट लेने के चक्कर में 12 नंबर पे हूँ मैं गाइस। नाइस फिनिश। एटलीस्ट भाई 11 नंबर पे तो फिनिश कर। कम ऑन 11 नंबर पे फिनिश कर। नहीं 12 पे फिनिश कर। इट्स ऑल राइट गाइस। आज लैम्बो बहुत सारे रेस हार गए भाई। लिटरली 12 नंबर पे रह गया मैं वो चेक पॉइंट के चक्कर में। बट सबसे पहले ये गधा जो जो ऑरेंज गाड़ी चला रहा था ना उसके भाई 18 लेवल वाला भाई फर्स्ट आ गया। एनी वेज बट ठीक है भाई होता रहता है। हर रेस तो हम लोग जीत नहीं सकते। व्हील स्पिन मिल जाए मेरे को। अभी मेरे को व्हील स्पिन कमाने के लिए वापस से कुछ ऑफलाइन खेलना पड़ेगा फिर हम लोग जीतेंगे। मैं काम करता हूँ ना आज की एक और आखिरी रेस गाइस मैं खेलने वाला हूँ। एक और आखिरी रेस यहाँ पे काफ़ी सारे रेसेस ये वाली रेस कंप्लीट करते हैं। इसका रूट कैसा है यार? सिटी के अंदर नहीं यार, सिटी के अंदर नहीं। मेरे को ना दूसरे ऐसी रेस दो जहाँ पे हाँ ये रेस मेरे को ना बढ़िया लग रही है। सिटी के अंदर नहीं करते। कितना दूर है? ओके 4.6 किलोमीटर है। मैं सिटी के बाहर रेस करना चाहता हूँ। सिटी के अंदर क्या होता है बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स वहाँ पे ना गाड़ी मार खा जाती है तो भी हम सिटी के बाहर जाके वहाँ पे चेकआउट करेंगे ठीक है। अरे यार क्यों क्यों क्यों? वैसे मेरी गलती है मैं रॉन्ग साइड में चल रहा था। कितना दूर है वैसे? 4 किलोमीटर तो मुझे सिटी के अंदर से जाना पड़ेगा क्या? हाँ सिटी के अंदर से अगर मैं इसे चलाऊंगा ना वैसे मेरा ही फायदा है। यू नो क्या होता है उसको मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा मेरा अगर सिटीज़ के अंदर ऐसे गाड़ी चलाऊंगा तो। एक बार अगर प्रैक्टिस मैंने कर दिया ना ये वाले रेस अगर मैंने 2-3 बार कर दी ना तो हम लोग वापस से ना कभी भी फिर जीत पाएंगे। मैंने इसका ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस किया नहीं इतना ज़्यादा। साफ रेप नहीं अभी मैं सीधा जाएगा ठीक है। ए ना या AI जो भी AI का नाम है सीधा जाएंगे हम लोग। बस पेड़ से टकरा मत जाना लैम्बोर्गिनी। और आखिरी रेस हम लोग चाहे जो हो जाए जीत के रहेंगे। ओ भाई बड़ा सा पेड़ आ गया बीच में। अरे आ गया। अबे 4 किलोमीटर इतने जल्दी कवर कर लिया मैंने। दैट्स नाइस। ओके ये हम लोग आ गए एक और सर्किट पे। लेट्स गो। अभी यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे हम लोग कितना है ये 3 लैप का है 7.4 किलोमीटर। जल्दी वहां से हटाओ। एकदम सुपर कूल टर्न से यहाँ के ये वाला आई थिंक मैंने पहले भी खेला है। बस चेक पॉइंट मिस मत करना। ओ 9 नंबर पे हूँ मैं। एक सेकेंड जल्दी वहाँ से हटो बोलना पड़ेगा मुझे। जल्दी वहाँ से हटो। चलो भाई चलो 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 आपका भाई आ रहा है पीछे से। एकदम तकड़ी रेस करने के लिए कम ऑन। ये इनकी ऐसे की तैसे जल्दी वहाँ से हटो। चेक पॉइंट मिस मत करना। ओके नो वरीज गाइस। मैं इनको पीछे छोड़ दूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प टर्न्स है। यहाँ पे ना ईजी है एकदम ईजी है। कम ऑन जल्दी वहाँ से हटो। चेक पॉइंट हो मुझे लगा 1 सेकंड के लिए चेक पॉइंट मिस हो गया। ऐसा मत कहो प्लीज। कम ऑन यार 8 नंबर पे वैसे भी अभी मैं चल रहा हूँ। मैं 8 नंबर और 9 नंबर पे वापस आ गया मैं। क्या हो रहा है लैम्बो को? मैं भी ना ज़्यादा तेज़ गाड़ी भगा रहा हूँ। हाँ यार उसी वजह से मैं भी हो रहा है। कोई नहीं हम लोग आगे चले जाएंगे डोंट वरी। ईजी ईजी जल्दी वहाँ से हटो। यहाँ पे आखिरी लैप चल रहा है और ये यहाँ पे ख़त्म ही हो जाएगा। एंड देयर यू गो। कम ऑन पीछे वाला बंदा एकदम पीछे। जीत गए हम लोग बहुत बढ़िया। लेट्स गो। फाइनली गाइस एक और रेस जीत ली हमने। तो आज के फोर्ज़ा होराइज़न के वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बाय करने वाले हैं बुगाटी। उसके लिए मुझे ऑफ कैमरा बहुत सारे रेस को खेलना पड़ेगा उसको हम जीतेंगे। तो आज के फोर्ज़ा में इतना ही था। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गेमर्स।